बिलासपुर जिला के गुमारबी हल्के की महरी कातला पंचायत का एक जोखिम भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें लुहनू छपरो गांव के लोग सड़क की कमी के चलते बरसाती नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पिछले 25 सालों से सड़क की मांग पूरी न होने और ग्रामीणों को सड़क सुविधा से महरूम होने का नतीजा यह रहा कि गांव में किसी के भी बीमार होने पर ग्रामीण उसे मंजे पर लिटाकर अपने कंधों के सहारे खड्ड पार करते हैं। यही नहीं, पिछले दो दिनों से प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां ये खड्ड बरसाती नाले से भर गया है, तो वहीं अब ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर खड्ड पार करनी पड़ रही है। अभी पिछले कल की बात है कि इस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में बीमार हो चुके थे, उनको शायद हार्ट की को प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ के स्थानीय जो युवक थे उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को चारपाई पे उठा करके अपनी जान पर खेल करके इस खड्ड को क्रॉस किया, और ये खड्ड जो थी उस टाइम ऐसे उफनती हुई नजर आ रही थी कि मानो अपनी वो व्यक्ति जो थे, वो नौजवान जो थे, अपनी जान पर खेल करके इस खड्ड को क्रॉस कर रहे थे। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने, उन स्थानीय युवकों ने उस वृद्ध व्यक्ति की, उस बीमार व्यक्ति की जान बचाई और हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं इस समस्या के संबंध में जब बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान से पूछा गया तो उन्होंने सड़क सुविधा से महरूम गांव में जल्द ही एम्बुलेंस सड़क सुविधा शुरू करने की बात कही। हिमाचल सरकार का ये ध्येय है कि जो एम्बुलेंस रोड्स हैं वो हर गांव तक पहुंचे, तो अगर इस तरह की कोई बात जैसे आपने बताई, मैं जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ का, खासकर BDO को जो है वो अभी डायरेक्ट कर दूंगा कि वहाँ पे जो मनरेगा और 14वें वित्त आयोग में कोई प्रावधान करके वहाँ पे एम्बुलेंस रोड का जो है प्रावधान कर दिया जाए। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।